हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं सुबह की 8, और मैंने आज घर के सारे काम जल्दी ही निपटा लिए थे और अब पूजा वगैरह हो चुकी है मेरी। यहाँ पर मैं कंघी कर रही हूँ। ये देखिएगा, जब भी कंघी करो तो पूरी कंघी ना भर जाती है बालों से। ये देखो, बहुत ही बुरी तरीके से बाल झड़ रहे हैं। ये देखो, ये तो कुछ भी नहीं है, जितने बार भी चोटी करो ना ऐसे ही बाल निकलते हैं। पता नहीं क्या हो गया है कि बेटे होने के बाद में ऐसा हो रहा, पता नहीं है। यहाँ देखो तहाँ बाल, हाँ तो मैं सब जगह बाल ही बाल चिपके रहते हैं। और जब बाल धोती हूँ तब पूरी बाल्टी में ऐसे ही ऐसे बाल निकलते हैं। देखो बहुत बुरी कंडीशन है बालों की सच में। कितनी पतली हो गई है, 2 महीने से इसी तरीके से बाल टूट रहे हैं। पहले तो मैं सोच रही थी कि बेबी होने के बाद ऐसा होता होगा, सब लोग कहते हैं कि बच्चे होने के बाद बाल टूटते हैं, बहुत ज्यादा झड़ते हैं, तो मैंने सोच के चल रही थी। लेकिन 2-3 महीने होने चले इस तरीके से बहुत गंदे तरीके से बाल निकल रहे हैं, इतने इतने बड़े बड़े गुच्छे निकल रहे हैं। थोड़ी बहुत हो तो चल जाता है। ये देखो, पूरी यहाँ की मांग खाली हो गई है। कहाँ जा रहे हो? फिर जाओगे? और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए, और आज थोड़ा लेट ही हो गया है। पोहा बनाने जा रही हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा किया, बर्तन वगैरह धुले, श्याम के थोड़ा बहुत कपड़े थे वो धुले, फिर नहाकर पूजा की। पूजा करने के बाद में मैंने कहा पहले कंघी भी कर लूँ, नहीं तो फिर पूरे दिन ऐसे ही बाल के लिए चल लगा रहता तो और ज़्यादा उलझते हैं। वैसे भी इस टाइम बुरी कंडीशन चल रही है, बहुत ही बुरी, बुरी नहीं बहुत ही बुरी कंडीशन चल रही है। देखो लग रहा है इस जगह से ही बहुत ज़्यादा बाल निकल रहे हैं, पूरी जगह खाली हो रही है, यहीं से लग रहा है ज़्यादा निकल रहे हैं। तो ताकि इतने ज़्यादा झड़ते हैं ऐसे तो खोपड़ी पूरी खाली हो जाएगी। पर डे इतने ही बाल निकलते हैं, इससे ज़्यादा और निकल आए तो कुछ नहीं, कम तो नहीं निकल सकते। और जब धोलो तो पूरी बाल्टी में ऐसे ऐसे पानी में गुच्छे पूरे तैर जाते हैं, तो निकालने पड़ते हैं, इतने बाल निकलते हैं सच में। बहुत अब तो अपने बालों से ही घिन आने लगी है। फर्श में तो बाल ही बाल, श्याम के साथ में बैठे हैं लेटे हैं तो श्याम के ही बाल चिपक जाते हैं पूरे, तो मतलब बच्चों के मुँह में जाने से भी डर लगता है। और यहाँ पर मेरा पोहा हो चुका है तैयार, और मैं इसी तरीके का अक्सर पोहा बनाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा ही पोहा अच्छा लगता है, जैसे कि ठेला में मिलता है बाहर दुकानों में वैसा ही। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पोहा बनाते बनाते ही ये प्याज बारीक टमाटर हरी मिर्च ये सब काट लिया है। और ये देखो यहाँ पर पोहा हो चुका है तैयार। आप लोग भी आ जाइएगा, सुबह का नाश्ता कर लीजिएगा आकर। और नाश्ता वगैरह करके ये जा रहे हैं मम्मी को लेके साथ में। मम्मी को इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है तो उनको लेके जा रहे हैं दिखाने के लिए। देखो कब तक आते हैं। और फ्रेंड्स, पिछले 2 वीडियो में काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि अपने बेटे को दीदी के पास छोड़ गई, बस इन बहनों को तो मायका मायका दिखाई देता है, ससुराल वालों से कोई मतलब ही नहीं रहता है, और इसके तो घर में सब लोग हैं, दादा दादी श्याम के, चाचा चाची सब लोग हैं, फिर भी कोई वो नहीं है कि अपने बेटे को वहाँ पे छोड़ आती या उनको यहाँ बुला लेती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं हमेशा अपनी सासू माँ के पास में ही, मम्मी जी के पास में ही श्याम को छोड़ के जाती थी। आप लोगों ने काफ़ी ब्लॉग में देखा भी होगा, और काफ़ी ब्लॉग में नहीं दिखा पाती, मम्मी यहाँ आ जाती या फिर वहाँ छोड़ आते थे। लेकिन अब कुछ कंडीशन ही ऐसी चल रही है घर में कि मैं उनके पास नहीं छोड़ सकती। ये जिसके घर में बीत रही होती है बात उसी को पता होता है, बाहर के लोगों को नहीं पता होता है तो वो जाहिर सी बात है ऐसा कहेंगे। लेकिन कोई बात पूरी तरीके से ना पता हुआ करे तो ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। बात यह है कि हर चीज़ कैमरे में दिखाने वाली नहीं होती है, जो मैंने अभी तक नहीं दिखाई। लेकिन बात अब इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कमेंट पर कमेंट आते जा रहे हैं कि ये है वो है, स्वार्थी है, फलाना है, ढिकाना है, खुद जैसी है वैसे ही बच्चे को बनाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब मैं बता ही दे रही हूँ, अभी तक मैंने कैमरे में ही दिखाया, और हर बात कैमरे में दिखाने लायक नहीं होती है, ऐसा भी है ना। अभी तक मैं ये सोच रही थी कि मैं बताऊंगी आप लोगों से तो आप ही लोग मेरा मजाक बनाएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये है वो है, तो अब मैं बता ही दे रही हूँ कि बात क्या है। और जो मेरी सासू माँ हैं वो इस टाइम बुरी हालत से गुजर रही हैं,
वो खुद ही मना कर देती हैं कि मेरे पास श्याम को मत लाना, और पापा जी भी मना कर देते हैं क्योंकि उनकी ऐसी हालत देख के कोई नहीं कहता कि श्याम को उनके पास ले जाना। कि मैं तो ये कह रही हूँ कि भगवान ऐसी हालत ऐसी कंडीशन किसी के ऊपर ना आए जैसा हमारे घर में हो रहा है, मम्मी जी के ऊपर ये सारी चीज़ें हैं। उनको ना कोई दर्द वगैरह या कोई बीमारी, डेंगू बुखार ये कोई चीज़ नहीं है, उनकी तबीयत वैसी ख़राब है जैसे ऊपरी चक्कर वगैरह है, भूत प्रेत जो कुछ भी हो। मैं भी पहले इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी, पर जब मेरे ही घर में मेरी सासू माँ के ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो मुझे भी ये सब चीज़ों में विश्वास होने लगा है। क्योंकि जब मम्मी के ऊपर जब कोई सवार होता है, पता नहीं क्या होता है, जब तो वो अपने आप को चोटें पहुंचाती हैं, कहीं अपने आप को पत्थर मारने लगेंगी, कहीं दीवार में सिर पटकने लगेंगी, ऐसे अपने आप को चोटें पहुंचाती हैं, रोती हैं, चिल्लाती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे रहती हैं। तो वो यही कहती हैं कि जब मैं ऐसी हालत में रहा करूं तो श्याम को मेरे पास मत लाया करूं, क्या पता मैं श्याम को होश में ना हूं, चोट पहुंचाने लगूं, श्याम को फेंक दूं। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता रहती कि मैं क्या कर रही हूं, इस वजह से मैं नहीं ले जाती हूं, पापा जी भी मना करते हैं, इसलिए घर छोड़ जाती हूं और फिर जाती हूं। और ये चीज़ें मैंने कैमरा में भी आप लोगों को नहीं दिखाई, लेकिन कैमरा के पीछे की चीज़ें जो होती हैं वो आप लोगों को नहीं पता, तो आप लोग ऐसा बोल रहे हो, लेकिन अब आप लोगों को तो मैं बता रही हूँ ना। और मुझे तो नहीं लगता था कि ये सारी चीज़ें वीडियो में भी दिखानी चाहिए, मम्मी ऐसी हालत में रहती हैं, चिल्लाती हैं, तो ऐसे में हम लोगों को खुद ही नहीं लगता कैमरा कहाँ है, मोबाइल कहाँ है, उतनी टाइम खुद ही हम लोग होश बेहोश हो जाते हैं जब ऐसी घर की कंडीशन हो जाती है। दिन में एक आध बार तो ऐसा होना उचित है, और कभी कभार तो अच्छा पूरा दिन निकल जाता है, अच्छी पूरी रात निकल जाती है, और कभी कभार तो दिन रात ऐसा ही रहता है कि मम्मी होश में नहीं रहती हैं, अपने काबू में नहीं रहती हैं, चिल्लाती हैं, घर का सामान फेंकती हैं। और ये उनकी हालत ना आज से 10-15 साल पहले हुई थी, ये बताते हैं कि मम्मी के साथ में पहले भी ऐसा हुआ था और अब फिर से वही हालत आ गई है। बीच में तो वो खूब ठीक रही हैं, 10-15 साल ऐसी कोई भी उन्हें दिक्कत नहीं आई है, लेकिन अब वही हालत फिर से आ गई है। और जहाँ पे कोई बताता है कि यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, वहीं पे ये लेके जाते हैं, आज भी लेके गए हैं। अब देखो भगवान जल्दी से कहीं का भी फर्क पड़ जाए उन्हें, कहीं की भी मतलब ये जो तांत्रिक वगैरह होते हैं कहीं का भी कुछ सूट कर जाए, ताकि जो कुछ भी है उनके अंदर कोई भी नकारात्मक चीज़ है जो कुछ भी हो वो सब दूर हो जाए, और वो जैसे पहले थी हंसी खुशी से रहती थी वैसे ही रहने लगे। लेकिन अभी तक तो मैंने कैमरा में नहीं दिखाया कि ऐसी हालत है मेरे घर में, पर आप लोगों को बिलीव नहीं होता तो मैं जिस दिन मम्मी के साथ में ऐसा होगा ना तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि ये है मेरे घर की कंडीशन, बता आप लोग फिर खुद देखेंगे और खुद बोलेंगे कि ऐसे मैं मम्मी के पास नहीं छोड़ना चाहिए। और मेरे घर वाले जब ऐसा बोलते हैं तो मैं श्याम को ले ही नहीं जाती हूँ, श्याम खुद ही नहीं गया उस वाले घर में काफ़ी दिन से, 2-2.5 महीने उसे हो गए, मैं तो जाती हूँ पर श्याम को इनके पास छोड़ के जाती हूँ, जब ये जाते हैं तो श्याम मेरे पास रहता है, ऐसे करके हम लोग उस वाले घर में जाते हैं। और देवर जी तो साउथ में बॉलीवुड कंपनी में काम करते हैं, वो तो यहाँ है ही नहीं है, शादी के टाइम आए थे, फिर शादी के 1-1.5 महीने बाद चले गए थे, तब से अभी कहाँ आए हैं। और जो अभी आप लोगों ने ब्लॉग में देखा था, 2-2.5 महीने पहले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि देवरानी यहाँ से जा रही थी, तो अभी मायके में है, जब देवर जी आ जाएंगे तभी आएंगी और ये मम्मी की थोड़ी हालत ठीक हो जाएगी तब आएंगी, अभी ऐसे में नहीं बुलाना है उन्हें। और तो फिर कौन बचा, मम्मी की हालत ठीक नहीं, पापा जी खेती बाड़ी का काम इतना सारा हो जाता है, भैंस वगैरह हैं तो वो देखते हैं, तो किसके पास श्याम को छोड़ के जाएंगे, आप लोग ही बताइए। मजबूरी बस मुझे दीदी को बुलाना होता है, दीदी कौन सी फ्री रहती है, दीदी के पास भी ढेर सारे काम रहते हैं, फिर भी दीदी आई थी क्योंकि मुझे जाना था, बैंक का काम था और वहाँ से फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे, इस वजह से फिर मैं दीदी के पास छोड़ के गई थी और बहुत ही जल्दी लौट के आई थी वापस, तो ये कारण है और कुछ नहीं है। पर लोग बाबों को ये है ना कि कोई एक चीज़ के पीछे पड़ गए, उन्हें कुछ एक चीज़ बोलने को मिल गई, चाहे उसके बारे में कुछ भी ना पता हो कि घर पे हो क्या रहा है, किसी के घर की कंडीशन क्या है, बस बोलने से मतलब है, कमेंट करने से मतलब है, पर कुछ नहीं, कमेंट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बोलो जैसे जैसा लगे, जैसा उचित लगे, मुझे आप लोगों को बताना था मैंने बता दिया, और जैसे जैसा उचित लगे वो बोलता रहे, कोई फ़र्क नहीं है, पर जिसके घर में बीतती है ना उसे ही पता रहता है और कुछ नहीं है। तो मैं तो नहीं चाहती ऐसा किसी के साथ हो, भगवान किसी को ये दिन ना दिखाए। और ये देखो मैं वीडियो बना रही हूँ और मेरे कंधे में लगे लगे सो गया, उसे लग रहा होगा पता नहीं क्या भाषण चल रहा है, क्या बोलती जा रही है, उसे नींद आ रही है मेरी बातें सुन के। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, और ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।